लिंकन साहब की कहानी सुनी है, वो भी मोची के बेटे थे। पिताजी से बोले कि पढ़ाई लिखाई करनी, पिताजी बोले अरे इतना पैसा नहीं है। तो एक नदी थी, नदी किनारे उस तरफ एक वकील रहते थे। तो एक दिन वो नदी पार कर उधर चले गए और उस वकील जाके बोले कि हमें नौकरी दे दो अपने घर में। तो बोले क्या करोगे, बोले झाड़ू पोछा लगाएंगे। बोले ठीक है, हाँ कर लो, क्या पैसा लो। क्या पैसा नहीं लेंगे, अपनी किताबें हमें पढ़ने देना, तुम्हारे घर में जो किताबें रखी है वो मुझे पढ़नी है। तो उसने कहा यार गरीब बच्चा पढ़ लेगा, क्या चला जाएगा। उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, वहीं सोते थे, उन्हीं किताबों से पढ़ते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने।